इसकी परफॉर्मेंस दिखा के वो सरकार से सब्सिडी लेते हैं। और मुझे लगा पहले तो जूते चुर गए, मैंने अलग अलग हल्ला मचा दिया, चोरी हो गए। ये वर्ड मैंने पहली बार सुना यार, वाह। आप कहीं इनकी बात तो नहीं कर रहे? खैर छोड़ो, मैं बोल रही कुर्सी छोड़ो। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अर्चना जी, शो शुरू हो गया, हेडफोन उतार दो। बच्चा जी, आपने तो क्या कमाल की सजावट की है यार। थैंक यू। इस बात पे एक बोली हो जाए। एक गिद्धे भांगड़े की दुनिया से तरह बाहर निकल के देखो, बाहर भी एक दुनिया है डांडिया की, गरबा की। ये धोती कुर्ते से भी कभी बाहर निकल के देखो, बाहर निकले भी आती है। विज्ञान की बात बताते हैं तितली, हमेशा याद रखना, हम मोटों के पास ना ले देके एक इज्जत ही है बस। हम भी आपको एक ज्ञान की बात बताते हैं, आप भी याद रखना। जो आपने ये गरबा नाइट रखी है ना, इसकी एक भी टिकट नहीं बिकी। ये ना डायलॉग बाजी बंद करो और जाके शो की टिकटें बेचो। अरे वाह, अरे वाह, गरबा नाइट बहुत मजा आने वाला है। आने तो वाला है, लेकिन उससे पहले एक 2000 का नोट वहाँ से यहाँ आने वाला है, फिर यहाँ से एक टिकट जो है वो तुम्हारे पास जाने वाला है, फिर मजा आने वाला है। ओ, जरूरत से ज्यादा बड़ी औरत, तुम टिकट लो तो अंदर आओ, वरना दिनेश के साथ जलंधर जाओ। तूने सपना को मना किया है, अब मना तुझे सपना करेगी। मतलब मैं तेरे को शराब देती है गोलघर, कि तेरा जो डांडिया नाइट है ना, इसमें भूचाल आ जाए, आग लग जाए, वाट लग जाए तेरी। ये सब तो पता नहीं यार, कैसी बात, कुछ नहीं होगा, ये बेकार का खाली ड्रामा कर रही है, इन चीजों को छोड़ो। यहाँ पर गरबा नाइट होगी और जरूर होगी, और हम भी देखते हैं हमें कौन रोकता है। अब दे गाली। अरे यार, मेरे को गाली दे रहा था, मैं उसका सर ही ले आया। ओ गॉड। हेलो फायर ब्रिगेड, 2 गाड़ी पानी की भेजो। 2 गाड़ी नहीं है तो 1 वाटर कूलर भेज दो। आग लगी है मेरे सीने में, यहाँ कोई किसी की कुर्सी पे बैठ के बंगले गाड़ियां बना रहा है, मुझे बहुत ज्यादा आग लग रही है। अब करके दिखा रे तेरा गरबा नाइट। अरे जो आदमी आम नाइट की वाट लगा देता है, सोचो गरबा नाइट का वो क्या करेगा। आपको मालूम है अर्चना जी, अपनी सुहागरात की नाइट पे अपनी बीबी का घूंघट उठा के उस पर भड़क गया। क्यों? कहता तेरी हिम्मत कैसी मेरे बेड पे बैठने की, मैं तेरे पे केस करता हूँ। ऐसे अंकल मैं सच्ची बोलूं, आज आपकी एंट्री पे मैं बहुत खुश हो लिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये तुम तीनों ने मुंह रखने वाली जगह पे कूड़ेदान क्यों लगाए हुए? हम लोगों के कूड़ेदान है, हम लोग जहाँ मर्जी रखने हम लोग रखेंगे। लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लो, ये मोटे का जो गरबा नाइट है ना, इधर होना चाहिए मांगता है, चाहे आज आपको इसका मुंह क्यों ना तोड़ना पड़े, तोड़ डालो। खबरदार, मेरा पति के साथ किसी ने हाथापाई की तो। अरे भाभी, तुम्हारा जैसा पति है इसके साथ हाथापाई नहीं, हाथी पाया होना चाहिए। अब भाभी मेरी बात सुनो, 11 बच्चे तुम लोगों के हो गए, तुमने जो पति के साथ करना था कर लिया। अब तो वेस्ट है, इज जस्ट वेस्ट। FD मैच्योर हो चुकी है, अब इसको बेच के 4 देवर ले लो। ये जो देवर भाभी की चोल मोल होती मेरे को बड़ी अच्छी लगती, लेकिन आई जस्ट हेट योर हस्बैंड, मेरे को वॉमिट होता है। ओ गॉड, यही तो इनकी शख्सियत है, इनका मुंह किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मुंह चाहे इनका जैसा मर्जी हो, लेकिन दिल के तो ये और भी ज्यादा खराब है। तुमको शर्म नहीं आ रही है पराए मर्दों के सामने क्या बोल रही हो? अच्छा, पहले इनके साथ शादी करूं, फिर इनके साथ बातें करूं।
अरे यार तुम्हारे लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सूरज की किरणों से धरती है चमचमाती। सूरज की किरणों से धरती है चमचमाती, कोई अच्छा सा डॉक्टर देख के अपना इलाज क्यों नहीं करवाती। वाह वाह वाह, ये जो तूने गरीब मुंह से अमीर खुसरो बनने की कोशिश की है ना, मैं अगर बादशाह अकबर की बेगम होता ना, मैं तेरे पे गंदे गंदे इल्जाम लगा देता। मैं कह देता इसने मेरा आईब्रो टच किया। जीजू, 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 ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम बिल्कुल ठीक सुन रही हो, तुम्हारा सोनी का सफर यही तक का था। तुम मुंबई नहीं आ सकती, और बल्कि जो तुम यहाँ रहती हो वहां पे भी नहीं जा सकती। तुम यहाँ कोई अच्छी सी जगह देख के जस्ट गो टू हेल। एक्सक्यूज मी, ये हमारा फैमिली मैटर है। ये जैसी तुम्हारी फैमिली है इसका मैटर नहीं, इसका मैट्रेस बनवाओ। हाँ, इसका तुम बनो गोल तकिया, और ये गंदे मुंह वाली औरत, इसका तो पूरा बिस्तर बंद बन सकता है। ओहो जीजू, आपने डांडिया नाइट में डांस के लिए बाहर से सेलिब्रिटी क्यों बुलाया है, जब आपके अपने घर में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है? थैंक यू बुरी, अब मैं गरबे की तैयारियां देखूं या सेलिब्रिटी बन के नाचूं? दीदी, मैं आपकी नहीं अपनी बात कर रही हूँ। ए नल्ली, तेरे से बड़ी सेलिब्रिटी ना तो अर्चना जी के भाग्यश्री है। पर ऐसे आइडिया ना दो। तो पहले अपनी पूरी फैमिली को एडजस्ट करने को फिर रही है। और दिनेश, तुझे एक अंदर की बात बताऊं, परमीत सेठी गिटार सीख रहा है। अरे अंकल, लेकिन इसी शो पे बजाना है ना, तो फिर सीखने की क्या जरूरत है, सिर्फ लेके बैठना ही तो है। जिसको जो सीखना ही सीख ले, हमारे यहाँ होते हुए किसी और की दाल नहीं गली। अरे वह वैसे भी कहाँ गला के खाती हैं, अर्चना जी कच्चा खा जाती है तो। बस बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया भूरी ने। तो हम बहुत कहेंगे तुम बहुत ही सुनोगी, हम बहुत कहेंगे तुम आधा थोड़ी सुनोगी। जा रही हूँ मैं। ये तुमने कही है चैनल के बेनिफिट वाली बात, मैं जा रही हूँ। भूरी जाती है, भूरी गोल। All artists, happy people are celebrating this moment even with Chinese people. चलो, चलो। एक मिनट। सपना। ये क्या क्या? भूरी के जाने से आया रुपए में उछाल। उछलोगे तुम सब एक दिन पॉपकॉर्न की तरह जब ये भूरी बनेगी सेलिब्रिटी। चली गई। अरे वाह यार, ए तितली, एक काम करो यार। ये जो है ना, ये डांडिया है, साथ साथ में ये एक हथियार भी है। अच्छा। अब वो लोग जो हमें तंग कर रहे हैं, पहले उन्हें डांटो और फिर भगाओ। अगर बच्चा जी मैं पहले उन्हें भगा दूं और फिर डांटूं चलेगा? वो भाग ही जाएंगे तो डांटोगी किसे? मैं आपको डांट दूंगी। हमें क्यों डांट दोगी? क्योंकि आप भाग नहीं सकते ना। यार तुम यार हमको मार ही क्यों नहीं देती? अरे यार, आप ही नहीं भगा दो। सीरियस हो जाती हो बात बात को लेके। बस अब यहाँ पे गरबा नाइट होगी और हम भी देखते हैं किस माइकल लाल में हिम्मत है जो हमारी इस गरबा नाइट को खराब कर सके। मैं खराब कर सकता हूँ क्योंकि मैं माइकल लाल नहीं, मैं माइका पीला हूँ। सारी बेतुकी बातें ना बाद में होती रहेंगी। अभी आपके पास 2,000 रुपया है तो टिकट लो, नहीं तो निकलो। ये कौन है? चलो टिकट नहीं है तो निकलो, निकलो। ए, इधर हट। अरोरा जी को हाथ लगाने से पहले तुम्हें सपना के ऊपर से गुजरना होगा। इतली गुजरो। आया मजा? अरोरा अंकल कुछ बोले ना, कुछ समझाओ ना इसको। वेरी गुड, गुड जॉब। चलो बस अब हमारी सेलिब्रिटी का आने का टाइम हो गया है। हेलो मैडम, आवाज आ रही है? ओ माय गॉड, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ओ मैडम, आप ड्रेस की टेंशन क्यों ले रही हैं? ड्रेस तो इतनी बढ़िया है, अगर मैं पहन लूं तो मैं जूलिया रॉबर्ट लगूं। हाँ जी, हाँ जी, आप टाइम ना वेस्ट कीजिए, आप जल्दी जल्दी आ जाइए। ओके ओके ओके। ओ हेलो, तुम्हारा मूड टेढ़ा लग गया है।
ये देखो टोपी इस तरफ है, मुंह इधर करो, इधर करो। और तू मेरी बात सुन, तू ये मॉडल का 2000 रुपया चार्ज कर रहा था हमसे, और लोगों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ प्लस ईव टीजिंग करने के जुर्म में तुम्हें इसके ऊपर कूदने की सजा दी जाती। कूदो। ओके। ना ना रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ए अनसुंदर प्राणी, एक तो तुमसे दाल बनती नहीं और खानी है तुम्हें बिरयानी। चलो निकलो यार अपने ढाबे पे जाओ। ओए डायनासोर की दाई। डायनासोर की दाई क्या होता है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं, है? मतलब क्या क्या समझाओ जरा, कौन है? कभी मिले हो डायनासोर की दाई? नहीं बताना पड़ेगा तुम्हें। ओए मेरे, मैंने अब सच बता रहे हैं, चैनल ने कहा है कि हर पंच की अब जांच होगी। अच्छा होगी, हर पंच की जांच होगी। अच्छा, क्योंकि है कुछ कलाकार जो कुछ भी बोल के पैसे कमा रहे हैं। हाँ तो कम से कम कुछ बोल के ही पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ सांस लेके पैसे नहीं कमा रहे हैं इधर। आप कहीं इनकी बात तो नहीं कर रहे? खैर छोड़ो, मैं बोल रही कुर्सी छोड़ो। वो कम से कम बोल के पैसा कमाते थे। खबरदार, अगर अर्चना जी के बारे में सब कुछ बोला तो आई लव अर्चना जी। और मैं आपको ये बता दूं कि आज यहाँ मैं चंदू फ्रॉम दा ढाबा नहीं हूँ, चंदू दा मैनेजर हूँ। दा मैनेजर? अच्छा सर, आप मुझे बताएंगे आपका खुद का स्टाफ है या सिग्नल टू सिग्नल आप खुद ही भाग भाग के भीख मांगते हैं? ओए महिलाओं की शाखा। एक मिनट, ये महिलाओं की शाखा क्या होता है? अच्छा अब हाईवे का टोल नाका। हाँ ये ठीक है, हाईवे का टोल नाका, तेरी पड़ोसी की माँ का साकी नाका। अरे बस करो, इससे पहले इसका इन टुकले पिन टुकले चालू हो जाए, आप यहाँ क्या करने आए हो गंदे देवर जी? जो इधर सेलिब्रिटी आ रही है ना, उसका मैं मैनेजर हूँ। अच्छा। समझी, अन ब्यूटीफुल भाभी। अन ब्यूटीफुल भाभी? अन ब्यूटीफुल भाभी क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है बताओ, चंदू के चाचा के चांदनी चौक के चमचे बताओ। चंदू के चाचा का कौन सा चमचा होता है तुम भी बताओ फिर। होता है, 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 होता है। अब तुम सेलिब्रिटी बुलाओ वरना हम पुलिस बुलाएंगे। ठीक है फिर, बत्तियां बुझा दो क्योंकि उसके आने से मशाले खुद ब खुद जल पड़ती हैं। अरे वाह। अच्छा मेरे हुस्न की ऑफिस में है अरे बड़े बड़ों की कतार, मेरे हुस्न की ऑफिस में है अरे बड़े बड़ों की कतार, हिल जाए कमरिया मेरी, गिर जाए सरकार, हिल जाए कमरिया मेरी, गिर जाए सरकार, मेरे हुस्न की ऑफिस में है अरे बड़े बड़ों की कतार, मेरे हुस्न की ऑफिस में है अरे बड़े बड़ों की कतार, हिल जाए कमरिया मेरी, गिर जाए सरकार, हिल जाए कमरिया मेरी, गिर जाए शिफाली जारीवाला में आ गई। चैनल बदल लो भाई, मेरी नीयत बदल रही है। शिफाली जारीवाला, लेट्स गो टू लोनावाला। वहाँ चिक्की लेने जाना है? थोड़ा दूर हट के बात करो। हाँ तो तुम भी दूर हट के बात करो ना यार, आराम से। शिफाली जी, हम ना सुई लाए हैं, आपको कांटा लगा है ना, बताइए हम निकाल देते हैं। कांटा निकाल के तो देखो, इधर से चांटा निकला ना फिर पता चलेगा कांटा। सोनी साहब, पहले यहाँ से ये दोनों धर्म कांटे निकाल दो। मैंने आपका गाना बचपन से देखा है, बड़ा अच्छा, मैं जवान ही आपके गाने की वजह से हुआ, बस ये समझ लो, ये तो मेरा कैंसिल था। अगर आपने ये बचपन में गाना सुना है तो आप इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए? I was born adult. क्योंकि मुझे ये बचपना पसंद नहीं है। I don't like kiddish things.
मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई यहाँ से टच करके वो बांधे मेरे को। मैं ऐसे हैंडसम पैदा हुआ था, पैदा होते नर्स कहती आप भी सीखो उस नर्स से कुछ। ओए, मेरे पापा पुलिस में हैं। इतने पैसे कमाती हूँ, उनको छुड़वा क्यों नहीं लेती? पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, मेहनत करते तो कमिश्नर बन सकते थे, नलायक कहीं के। हाँ, अरे हाँ जी, वो नलायक थे, ये इधर मुगलों के बैंक में मैनेजर लगे हुए हैं। ये बताओ, मेरी मॉडल ने डांस कैसा किया है? आपने जो डांस किया है बहुत ही कमाल का किया। मैं तो कहता हूँ आप मुंबई आ सकती हैं, बल्कि ओशीवारा हमारी बिल्डिंग में, हमारे घर में आ सकती हैं। आपके लिए हमारे सारे दरवाजे खिड़कियाँ खुली हैं। वैसे मैंने लगवाई भी नहीं है। हाँ, बाकी तो ये है कि, पर ये नहीं कि ऐसे आके आप बैठ गए तो सिर्फ काटा लगा ना, पोछा लगा, झाड़ू लगा, काम करना पड़ेगा। हाँ, नहीं बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत लड़की से आप घर का काम करवाएंगे? मैं मिक्का नहीं हूँ। देखो नहीं, सीधी सी बात है, ये नहीं कि सुंदर लड़की देखी प्रमोट कर दो, मेरे लिए काम मतलब काम। अरे आप वही है ना जो मीका के साथ इधर सेलिब्रिटी बन के आई थी? हाँ, मैं वही हूं। आज इसके साथ गेस्ट बन के आई हैं। इतना जल्दी कैसे डिमोशन हो गया आपका? इनके वजह से। मोहतरमा, आप ऐसे मुंह के साथ मैडम से डायरेक्ट क्यों बात कर रही हैं? शो सम रिस्पेक्ट। आई एम मैनेजर ऑफ जरीवाला। ये जरीवाला, ये दरीवाला। तो इनके मैनेजर की जगह इनका सैनिटाइजर बन के आया होता ना तो इनको ज्यादा सुरक्षा मिलती। मैनेजर है। ओए सोनी टीवी के बकीरे। इधर बीच में बोला ना तो मैंने बीच में जाकर छोड़ा ना है, तो फिर तेल से लोगों के मसाज करते रहना उधर। शेफाली जरीवाला जी, जी दो साल से ये मुंह देख देख के मेरे को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। मेरी पैनक्रियाज में थोड़ी सूजन आ गई। मेरी आंखों की डिटॉक्स का टाइम हो गया। थोड़ा डांस दिखाओ ना फिर। अरे एक मिनट अंकल, हम तो चाहते थे कि गरबा नाइट नहीं हो, आप तो एकदम बदल गए। अरे मैं उतना भी नहीं बदला जितनी तू बदली है। मैं आपको बताऊं शेफाली, ये आता मर्द है, जाती औरत है। वैसे पाले जी, हाँ। आपको पता है हम यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं। अच्छा। तो ये जो अपना है प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। वो शिफाली है, घर वाली नहीं। कहीं जरी वाला के चक्कर में मैं अपना घरी वाला ना सुझा दू। हम तो बस उनको जरा सा कंफर्ट फील करा रहे थे। कंफर्ट? आप गद्दा हो या कंफर्ट फील करा रहे हो? घर चलो, मैंने आपके गद्दे पे कांटे ना चुभा दिए, तू कहना। ठीक है, ठीक। चंदू जी मैम, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आके, चेयर भी नहीं है। जो मिले कुर्सी लेके आओ। आई एम सॉरी, आपने आने में देर कर दी, हम कुर्सी बचा नहीं पाए। कोई और बैठ गया है, और ऐसा बैठा है अपने घुटनों में कीले ठोक लिए ऊपर से। कुर्सी छोड़ो, मैं कहता हूँ मंडप में बैठते हैं। साढ़े तीन के दो सेट होते हैं फेरे के, सात फेरे लगेंगे, फिर डांडिया नाइट। ना ना, ओए, अरोरा साहब, आप नहीं आ सकते डांडिया नाइट पे। आप लोगों को बता दें, जिसने 2000 की टिकट ली है ना, वो सबसे पीछे बैठेंगे। 5000 की टिकट वाले आगे बैठेंगे। और 10000 के टिकट वाले वो VIP हैं, वो एकदम आगे भी बैठेंगे और साथ में डांस भी कर सकते हैं। अच्छा। अरे अंकल, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप दुबई तक जाओ ना, यहाँ तो सिर्फ काटे ही लगे हैं। हाँ तो काटे ही लगे हैं ना, किसी के भांजे तो नहीं लगे। चीटिंग, चीटिंग है ये। अब बाहर वाले भी आके मजाक करने लगे, मैं नहीं खेलेगी। ए जरी वाला, ये जो तुमने जरी सी कॉमेडी की है ना, ऐसी कॉमेडी ना मैं अपने मसाज में खर्च देती है। समीर से पैसा, ये सेलिब्रिटी है वो। हाँ। अब आप टिकट लो या फिर एग्जिट लो। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं जा रही है, लेकिन जब मैं वापस आएगी ना तो ये इधर से जाएगी। अच्छा। हाँ, देखती है मैं। लानत है आपके मैनेजर पे। इसकी वजह से ये इतने बड़े मुंह वाली औरत से आपने बातें सुन ली। अगर मैं आपका मैनेजर होता ना तो क्या होता? तो कुछ कुछ होता है, तुमने समझोगी। लेकिन मैं सब समझ गया हूँ, उतना शाहरुख तुमने देखा नहीं होगा जितना शाहरुख मैंने खराब किया है।
ये देखो। दूर, दूर, बहुत दूर छोड़ाओ। और ले जाओ, India's best dancer में छोड़ाओ। यहाँ रहो, अब यहाँ कांपो, कांपो, कांपो। चालू रहो। पर ना आकर मेरी नाभि में खारिश होने लगी ये देख के। और मेरी मॉडल से तमीज से बात करो। मैं तेरी मॉडल से टाई लगा के बात करूं? You are fired. आज से मैं राजेश रोड़ा अपने आप को शेफाली का मैनेजर उर्फ प्रेमी घोषित करता हूं। प्रेमी? मैनेजर, मैनेजर प्रेम, प्रेमी वाला मैनेजर। हाँ, वो मैनेजर मैनेजर ठीक है, वैसे भी ये कुछ काम का नहीं था। इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आके, ना पानी ना जूस, चाय तक नहीं पूछी इसने। चाय छोड़ो बेबी, लेट्स हैव कॉफी। क्या है बेबी, बेबी क्या लगा के रखा है? बॉस है तुम्हारी, बॉस से ऐसे बात करते हैं? यार सुना नहीं, उन्होंने मुझे अभी अभी फायर कर दिया है, तो मैंने कहा चल जब निकाल ही दिया तो जाते जाते थोड़ा सा फ्लर्ट ही कर लूं। और ये मत समझना मैडम कि मुझे काम की कमी है, बड़ी बड़ी हीरोइन के मुझे फोन आते हैं, आज से मैं सारे शो उनको दिलाऊंगा। मैं जा रहा हूं मैं। अरे जाओ जाओ। शेफाली जी, हाँ जी। देखिए नेचर कैसी चीज है, ऊपर वाले का कर्म देखो, आज आपने मुझे मैनेजर रखा है, हो सकता है आप आगे चल के मुझे अपना पति रख ले। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि जैसे आज आपने मुझे मैनेजर रखा है, कल को हो सकता है आप मुझे पति रख ले। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये कह रहे हैं कि ये आपके पति बन सकते हैं। अब वो तो मैं समझ गई, मगर हाँ तो फिर बना लो ना, मैंने भी इनको पति बनाया हुआ है। बहन कभी कभी हम जैसी हॉट लड़कियों को लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। ओह एडजस्टेबल औरत, चलो रुको इधर आओ। और तुम चलो डांस का मतलब शेफाली जी अब वक्त आ गया, जरा डांस शुरू कीजिए ना। बंद करो, यहाँ पर अगर डांस होगा तो सिर्फ मेरी मॉडल का होगा। अच्छा, हाँ। तुम्हारी मॉडल कहाँ से आ गई? मैंने कूपन स्क्रैच किया ना तो अंदर से निकली, ऐसे करके। अबे ढूंढ के लाई उसको मैं। तुम्हारी मॉडल? हाँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी है ना। ए भूरी आंखों वाली क्यूट बकरी, ज्यादा बकवास की ना, तेरा बिरयानी बना डालेगी मैं। ऐसे कैसे बना देगी तू उनका बिरयानी? हट। मैंने उसको सिक्योरिटी दे रखी है। ये कैसी सिक्योरिटी है? और जैसे एबीसी में होती है ना, जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी। और तू बता यार हिंदी में कैसे होती है? अरे वो हिंदी में होता ना अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अं आहा, तो आहा वाली सिक्योरिटी। आहा सिक्योरिटी है ये, ऐसे देते हैं। हाँ लेकिन ये सारी बातें होती रहेंगी बाद में यार। ग्लैमर मतलब शेफाली, मतलब शेफाली जी, वक्त आ गया है थोड़ा डांस पेश कर दे। नहीं डांस मेरी मॉडल करेगी। तो दोस्तों दिल्ली और गुजरात में धूम मचाने के बाद आज पहली बार आ रही है मुंबई में, थोड़ी सी है अधूरी, प्लीज वेलकम भूरी। ओए जिसको कोई डेढ़ घंटे के एपिसोड में दो लाइनें नहीं देता, उसके आने से पहले तूने उसकी तारीफ में 10 लाइनें बोल दी। अगर ये मॉडल है तो मायसेल्फ जॉन अब्राहम। गाइस प्लीज जल्दी करो, आई एम गेटिंग लेट। ओहो सारा दिन दीदी खाने में क्या बना है पूछने वाली लड़के, आज ऐसा दूसरा कौन सा बड़ा काम आ गया तुम्हारे पास? आई एम गेटिंग लेट। खबरदार मेरी बोली वाली बहन को कुछ कहा तो, वो तो इतनी भोली है कि पानी भी मुंह से पीती है। अरे भाभी सब लोग पानी मुंह से ही पीते हैं। ओ हाय मैं ऐसे ही इतने सालों से ग्लास में पी रही थी। मैं भी कल से पानी मुंह से पीऊंगी, लेकिन किसके मुंह से पीऊं? ओए बता जा तो। हां इधर, इससे पहले ये लोगों को काटना शुरू कर दे इसको ओके कर दे। और तू बदसूरती के फैमिली पैक, ये उठा अपना छोटा रिचार्ज और निकलो यहाँ से। कहीं नहीं जाएगी मेरी बहन। पूरी आज रात तेरा ही डांस होगा, तेरी दीदी तेरे साथ है मेरी भूरो। दीदी चलो भाई, ये बड़ा अच्छा हुआ सारे नॉन ग्लैमरस लोग एक साथ हो गए। अब क्या ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी, उनको पता है कहाँ देखना है कहाँ देखना ही नहीं है। तुम्हारा ये मैनेजर तुम्हें स्टार बना के रहेगा। रुक जाओ, अगर तुम इनकी तरफ हो तो मैं भूरी की तरफ हूँ। भूरी
आज से मैं तुम्हारा मैनेजर, देखो मैं तुम्हें कैसे रातों रात हिट करूंगा। हर पेपर पर, हर चैनल पर सिर्फ तुम ही तुम नजर आओगी। खुद तो तुम 10 साल से एक ही चैनल में अटके हुए हो। एक मिनट यार, तुम दोनों कहां दूसरे अलग अलग चैनलों की बात कर रहे हो? इतना मुश्किल से तुम दोनों को एक अच्छा चैनल मिला है, उस पर ही ढंग से आ जाओ। उसमें सारे तो तुम आ जाते हो फिर। कमाल जीजू, मैं ढंग से आती हूँ और वैसे भी मैं ही तो एक लौती मॉडल हूँ इस शो में। ये लो जी, इतने ही अगर ढंग से आती तो इनको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे बुलाना ना मेहमानों को पड़ता है, अपनों को नहीं। और मेहमान कब अपने बन जाए ये भी पता नहीं चलता। अपने कब मेहमान बन जाए ये भी पता नहीं चलता। विश्वास नहीं हो तो सिद्धू जी को पूछ लो। बेबी, तुमने अभी तक मेरा जलवा देखा ही कहाँ है। एक ही एपिसोड में सारे मेरे दीवाने हो जाएंगे। बहन, 3-4 कांटे और लगा लो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। ग्लैमर तो मैं भी दिखा दूं, लेकिन मैं तो जान बूझ कर नहीं दिखाती, ताकि कल को लोग ये ना बोले कि ग्लैमर के दम पे काम मिला है। ये जो तुम दोनों ने गुफ्तगू की, ये कौन से चैनल पे आएगी? वाह, कपड़े बदल के आ गई। ग्लैमर मैं इसलिए नहीं दिखा रही, ग्लैमर तू दिखा नहीं रही, कॉमेडी तेरी दिख नहीं रही। तू एक काम कर, अपने आप को WHO को सरेंडर कर दे, मुझे यकीन है तेरी वैक्सीन जरूर बनेगी। हाँ, और अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तुम्हें तो आ जाओ मैदान में, हो जाए मुकाबला। ओए मैनेजर, मैं हूँ, तुम सेलिब्रिटी हो, अपने औकात में रहो, ये बातें मैं करूंगा। इतना ही है तो आओ मेरे सेलिब्रिटी के साथ मुकाबला करो। फालतू लाइनें नहीं बोलनी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, मुझे गुस्सा आ गया, मैं ऊपर मुंह करके रोने लग जा रहा हूँ। देखिए ये सब बातें बंद कीजिए। मैडम हम लेट हो रहे हैं ना, देखिए मेरी सेलिब्रिटी लेट हो रही है, हमने नेक्स्ट इवेंट पे भी जाना है। कौन से इवेंट पे जाना है ये भी बता पहले। ये इवेंट देख लो, कोई इवेंट नहीं इसका, दोपहर में जा जाके लोगों के दरवाजे खटखटाता है और लोगों के दरवाजे खटखटा के बोलता है हमारे वहां बाढ़ आई, हमें पैसे दो। इनकी जेबें चेक कर लो, लिफाफे निकलेंगे अंदर से। ये मुंह क्यों नहीं सीधा करता यार, मेरे को चक्कर आ रहे हैं मेरे को। अरे यार लेट हो रहा है, बहुत डिसाइड कर लो कौन परफॉर्म करेगा, शो शुरू करो। हम परफॉर्म करेंगे क्योंकि हम लड़की वाले हैं। इधर लेडी संगीत नहीं चल रहा, हम लड़की वाले हैं। अभी गरबा है ये, समझो प्लीज। अरे बाबा एक काम करते, इधर डांस का एक कंपटीशन करते। अच्छा। Okay. जो सबसे अच्छा डांस करेगा वो बाद में परफॉर्म करेगा, सिंपल है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। बजाओ रे, बजाओ। गंगन गान में वाली दे ताली, दे ताली रे, चल छबीले में मत वाली दे ताली, दे ताली रे, हाथ में गंगन गान में वाली दे ताली, दे ताली रे, चल छबीले में मत वाली दे ताली, दे ताली रे। घुरा ना मिल गयो बाबरो, रंगीला भरो घाघरा, रंगीला भरो घाघरा। देखो रिजल्ट सबके सामने है। हाँ, क्या ये ऑपोजिशन वालों ने जितना गंदा डांस किया है, तुम भी उसी में आते हो। 4 बजे एक ट्रक मंगवाया मैंने। हाँ? उसके नीचे आके अपने आप को कुचलवा लो। आप ये प्रतियोगिता जीतती हैं। हाँ? और आपको प्राइज में मिलता है हैंडसम राजेश रोड़ा। हाँ? ले जाओ मुझे पका के, चलो। अरे, ए, 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 अर्चना जी, वैसे तो सारे जो रिश्ते होते हैं बड़े प्यारे होते हैं, हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जो भाई बहन का रिश्ता होता है ये बड़ा ही प्यारा होता है। लड़ाइयाँ, झगड़े, प्यार, मोहब्बत सब कुछ है इस रिश्ते में। सो ये जो मैं आज बहन भाई के रिश्ते का जिक्र कर रहा हूँ,
वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में से एक ऐसी भाई बहन की जोड़ी आ रही है. दोनों ही बड़े प्यारे हैं, दोनों ही बड़े टैलेंटेड हैं. सो प्लीज वेलकम हुमा कुरैशी एंड साकिब सलीम. साकिब के लिए आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. और आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह. थैंक यू. आप भी बहुत हॉट लग रहे हैं मेरे भाई की तरह. हॉट? अब तो शादी हो गई भाई, अब मान जाओ. भाभी देखती होंगी शो. नहीं, मेरे को लाइन ही बुला दी. मैंने क्या पूछने के आगे. यही एक दिन होता है जब मैं आके भूल जाता हूँ कि मैं भी शादीशुदा हूँ. आके याद दिलाते हैं लोग मुझे. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. साकिब, आप बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हैं. थैंक यू भाई. उमा से भी ज्यादा हॉट लग रहे हैं आप. मेरे दोनों भाइयों को नजर ना लगे. भाइयों बोल दिया. आइए दोनों भाइयों के साथ विराजमान हो जाइए. पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप आए. क्राइसिस चल रहा है. आपने हमारी रिक्वेस्ट जो है वो स्वीकार की. आप आए तो बड़ा अच्छा लग रहा है. नहीं नहीं, हमको तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए. क्राइसिस चल रहा है बट आप लोग हम सबको हंसा रहे हैं, मतलब इतनी जान जोखिम में डाल के. सो उसका बहुत बहुत थैंक यू हमें हंसाने के लिए. थैंक यू हुमा. सो इतने भारी भरकम वर्ड. देखा, ये होती मोहब्बत, ग्रेटिट्यूड. आजकल ना दुनिया मटेरियलिस्टिक बड़ी हो गई है. जैसे हम लोग पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, हुमा ये हमारे घर की सारी नॉलेज रखती है. इन्होंने आज तक नहीं बताया कितने भाई बहन है. अच्छा, अगर मैं बता देती कि हम 4 भाई बहन हैं तो तू मेरी पेमेंट 4 गुना बढ़ा देता. हर बात में पैसा. देखा, पर ठीक ही तो है, ठीक ही तो है. चलो आगे, आपकी सहेली साथ में. यस, ये पैसा ही है जो भाई बहनों में दरार कम कर सकता है. हाँ. अगर आप भाई बहनों को हिस्से से ज्यादा दे दो तो. अर्चना जी का उल्टा है. क्या? ये इनका भाई इनको राखी बांधता ना. नहीं सॉरी. प्रोटेक्शन कर देना. वैसे आप दोनों में से अर्चना जी कौन है, मतलब फायदा कौन उठाता है? उमा थोड़ा सा मैं उठाती हूं. पर आप बड़ी बहन है उसकी, राइट? हाँ. तो बड़ी बहन तो वैसे प्यार से छोटे भाई को वैसे गिफ्ट दे देती है. राखी का इंतजार क्यों? ऐसा कोई गिफ्ट नहीं मिला भाई. 4 बर्थडे चले गए पिछले, कुछ गिफ्ट नहीं मिला. क्यों उमा? गिफ्ट क्या होता है यार? मोहब्बत प्यार कुछ होता ही नहीं होता है. भाई बहन के रिश्ते में वो करता ही होगा ना. बाहर बाहर करता है ना, बहन को नहीं करता मोहब्बत. आप लड़ लो, सैनिटाइज करके लड़ लो आप. देखो हमारा बजट कितना बढ़ गया है. ये क्या है? पता नहीं, जब हाथ करते हो तब नहीं चलता, हाथ पीछे करते हो. मैंने ना ये राखी वाली बात इसलिए पूछी कि गिफ्ट विफ्ट वाली, क्योंकि बचपन में मेरे, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, मेरे पापा मूंगफली लाते थे ना सर्दियों में. तो हम 3 भाई बहन थे, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, ऐसे ढेरियां बना देती थी. हाँ. कि ये तेरी, ये तेरे भाई की, ये तेरी बहन की, ताकि लड़ाई ना हो. आप में ऐसा होता था? तो शुरू से अमीर. भाई शुरू से अमीर अमीर तो नहीं, बट एक दिक्कत होती थी कि मिलता दोनों को बराबर था. मैं थोड़ा थोड़ा हिरसु, समझते हैं आप क्या होता है? हिरसु, जो हिरस करता है, जो हिरस करता है. अच्छा. जो मतलब थोड़ा ग्रीड होता है उसे खाने को लेके. तो मैं अपना चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स जो भी मिलते थे मैं पहले 5 मिनट में खा लेता था. हुमा वो एक चॉकलेट खाने में 2 दिन लगाती थी और रोज एक क्यूब तोड़ के आती थी, मुझे ऐसे दिखाती थी, थोड़ा आधा बाइट लेती थी. तो ये इसलिए किया है मेरे साथ यार. ये बड़ा, ये सही ऑब्जर्वेशन है. पता है मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब मैं अपनी मूंगफली फटाफट खा लेता था मेरी बहन की बच जाती थी, फिर मैं उसके पास जाता था, हम दोनों खाए. कितनी क्यूट क्यूट बातें होती है. पर एक बार यहाँ पर टेल यू, एक बार साकिब को मैंने ऑलमोस्ट मार दिया था. है? हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और ये चीटिंग कर रहा था एज ऑलवेज, और बाकी सब इसके दोस्त थे, सारे बॉयज थे, सब इसकी साइड ले रहे थे. तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने ऐसे बॉल ली, ऐसे सेम की तरह ऐसे बॉल दी, मैंने तेज से मार दी इसको, और वो यहाँ लगी और वो गिर गया. तो मुझे लगा मर गया. तो फिर मैंने प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ कि मैं घर छोड़ के भाग जाती हूँ, बिकॉज़ अब मैंने इसे मार दिया तो मम्मी पापा बड़ा गुस्सा होंगे. ये कितनी उम्र की थी तब आप, जब आपने ये कांड किया? 10 or something. बाप रे, 10 or whatever. फिर तो मैं उड़ गया. 5-10 मिनट बाद थोड़ा हिला वेला, तो इसको लगा रे टिकट, बस की टिकट कैंसिल कराओ. तो ये उतरी थी क्या स्टेशन से वापस आई? नहीं नहीं, बैग वैग आ गया था, घर से जा रही थी, निकल गई थी. उमा वैसे आप बचपन से एक्टर बनना चाहती थी? बचपन से, ये अच्छी बात होती है. बट इसने घर में झूठ बहुत बोले भाई. क्या? बहुत झूठ बोले. पहले साइंस दिलवा दी घर वालों ने ना, 11th में मिलते ही, तुम बहुत, तुम इंटेलिजेंट हो, घर की लड़की, तुम साइंस करो. अच्छा. तो फिर जब साइंस पल्ले नहीं पड़ी 11th में,
तो फिर बोल दिया मुझे ना मम्मी IFS ऑफिसर बनना है. पहले तो हमें ही लग गया IFS होता क्या है, IPS बना था सर. इंडियन फॉरेन सर्विस. अच्छा फॉरेन सर्विस. पापा अलग इंप्रेस हो गए कि मेरी बेटी IFS बनेगी. तो इसको आर्ट्स आर्ट्स करा दी. फिर एक दिन आके बोली मुझे ना प्लेस डायरेक्ट करने. तो पापा ने बोला एक्टिंग करने के. अरे नहीं नहीं पापा मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन में इंटरेस्ट है. तो ऐसे करके इसने अपनी गाड़ी चालू की. फिर एक दिन बोल दिया कि मुझे अभिषेक बच्चन के साथ ऐड मिल गया. तो मेरे पापा ने कहा तू तो डायरेक्टर बनने गई थी, ये ऐड कैसे कर लिया तूने. तीनों सब्जेक्ट आपस में नहीं मिलते, कोई रिलेशन नहीं. इसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस और अभी ये. मैं बचपन में थोड़ा झूठ बोलती थी. थोड़ा बहुत काफी लग रहा है. नहीं एक्चुअली हुआ क्या था मैम कि मेरे को ना बचपन में बहुत एम्बैरस लगता था कि मैं कैसे बोलूं कि मुझे एक्ट्रेस बनना है. आई यूज्ड टू फील लाइक कि मैं बोलूंगी तो लोग ऐसे हंसेंगे कि अरे तुम मिडिल क्लास की दिल्ली की लड़की हो, तुमको हीरोइन बनना है मतलब. तो आई थॉट वो ड्रीम बहुत ही अनइमेजिनेबल है. तो इसलिए आई थिंक मुझे लगता था कि कुछ तरीका निकाल के बॉम्बे कैसे जाया जाए. बट शातिर थी शुरू से आप. बट मेरे लिए आसान कर दिया ना जब ये चली गई. फिर मेरा भी मन हुआ. मैं आपसे पूछने वाला था कि कभी कभी ऐसा बचपन में होता ना कि बड़ी बहन वैसी गई है बाहर, जा बेटा तू भी चले जा बहन के साथ. ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था. लगा था. अच्छा. और घर वालों को लगा था कि मेरे को देखने आया है, इसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे आया था ये. ये सच न्यूज है. मम्मी पापा को लग रहा है कि कोई जुर्म है क्या. नहीं कोई जुर्म नहीं है. प्यार के लिए चीजें करनी चाहिए दुनिया में. बेटा कहाँ है तुम्हारा वो प्यार आजकल. अपने प्यार के साथ. अच्छा पूरी दुनिया लॉकडाउन में घर बैठी हुई थी. हुमा अकेली जो फटाफट फिल्म करके निपटा के आ भी गई अक्षय पाजी के साथ. वेरी ब्लेस्ड है आप. मतलब मेरे को जब कॉल आया तो उन्होंने बोला कि शूटिंग करनी है. तो मैंने बोला बिल्कुल सर करते हैं. क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड है, सब लोग घर पे फंसे हुए हैं. हम लोग बहुत डिप्रेस थे ऑलमोस्ट कि यार कुछ काम शुरू हो जाए कुछ हो. सो आई वॉज लाइक नहीं काम करेंगे. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई गॉट द चांस टू वर्क ऑन बेल बॉटम. और आपको तो पता है अक्षय सर कैसे हैं, वो फट से गए हम लोग और पिक्चर खत्म करके आ गए. क्या बात. एक्चुअली ऐसा होता है अक्षय पाजी के साथ. डायरेक्टर आगे बोलता है पैकअप हो गया सर, अब आप जा सकते हैं. कहते तुम निकलो ये दूसरी यूनिट वाले लोग हैं. वहीं पे दूसरी फिल्म शुरू कर दी उन्होंने ना. तो ये लॉकडाउन में भी जो आपने जाके रिस्क भी लिया क्योंकि लोग डर भी रहे थे घर से बाहर निकलने में, अब तो थोड़ा पैनिक कम हो गया. तो ये इंस्पिरेशन अक्षय पाजी से मिली या आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं. खर्चे भी थोड़े ज्यादा हैं. नहीं बट आई थिंक अक्षय सर हम सबके लिए इंस्पिरेशन है एक्चुअली. अच्छा अक्षय पाजी पहले ऐसे इंसान है जब लॉकडाउन हुआ ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐड भी वही के घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके सैनिटाइज करें, दूर रहें. और फिर बाद में अपनी शूटिंग डेट सारी थी ना करीब, फिर एक ऐड शूट की थी. डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात रखें, काम पे निकले. वाह लव यू अक्षय पाजी, क्या बात है. तो फिर ये जब लॉकडाउन में मेड्स वगैरह तो आ नहीं रही थी, कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं थी, तो फिर घर पे काम कौन करता था दोनों में से. थोड़ी खिटपिट हुई कि आज तू खाना बना दे, आज मैं खाना बना देती हूँ, आज तू सफाई कर दे, ये कर दे. फिर मैंने अपना डिपार्टमेंट पकड़ लिया. कौन सा. बर्तन. बर्तन बर्तन बेस्ट आइटम है भाई, कोई उसमें ना ज्यादा मेहनत नहीं है. वो एक ही जगह खड़ा रहना है. हाँ. वही धोना है और उधर हाथ धो के. एक और चीज बताऊं, उसमें अगर गर्म पानी डाल दो ना आधा घंटा वो नरम हो जाता है. बढ़िया. मतलब मैंने सीखा किसी से सुना था. अच्छा 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 अच्छा. बाकी मेरी नाखूनों में अभी भी हल्दी फंसी हुई है. आप कुछ कह रही थी. सॉरी. हाँ. मैं कहती एक दिन नहीं गया है खाना बनाने. एक दिन नहीं गया. मैंने बनाया भाई. मैं अपनी मम्मी को वीडियो कॉल पे लेता था कि मैंने कहा आप जैसा बताओगे वैसा बनाऊंगा. फिर वो अच्छा नहीं बना एक दिन. तो मैंने कहा आपको आता ही नहीं है खाना बनाना, आपको गलत खाना खिला रहे होंगे. अच्छा ऐसा भी होता ना हुमा, बचपन में एक भाई बहन जो भी स्कूल में पढ़ रहा है छोटा, अगर कोई शरारत करे तो उसके बड़े भाई या बहन को बुला के शिकायत करते हैं टीचर. तो आपको कभी बचपन में ऐसे बुलाया इसके स्कूल. बहुत दफे. हम तो ऐसे बिहेव करते, सेम स्कूल में थे भाई. हम लोग बात ही नहीं करते थे. ऐसे बिहेव करते थे कि जानते ही नहीं दूसरे को. ये हेड गर्ल थी स्कूल की. अच्छा. तो वो अलग सा एक प्रेशर रहता था ना छोटे भाई पे, अरे हेड गर्ल का छोटा भाई है ये. अलग प्रेशर एकदम निकम्मा. और मैं था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में. कैप्टन एप्टन छोड़ो, डिपार्टमेंट में था मैं अपना. हमने क्लासेस अटेंड नहीं करनी, कुछ नहीं करना. तो हमेशा आई वाज कॉल्ड आउट. और फिर बेचारी मेरी बहन की बेइज्जती होती थी असेंबली में. वो है ऐसा थोड़ा बहुत. बहन की बेइज्जती होती थी. ये नहीं बोल रहे मेरी हो रही थी. अरे अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, बेइज्जती क्या होनी है. तो फिर बड़े होके ये चला सिलसिला. कभी इंडस्ट्री में किसी ने बुला कहा हुमा तुम्हारा भाई बड़ा नॉटी है. नहीं पता नहीं इंडस्ट्री में लोगों को बड़ा ये है कि बड़ा अच्छा लड़का है, कितना वेल बिहेव्ड है, लड़कियों का बड़ा ख्याल रखता है. वो बेचारी पार्टी में अकेली होती है तो उनको देखता है कि यू नीड एनीथिंग. मैंने तो सुना आप हमेशा सबको बोलते हैं कि ये लड़का ठीक नहीं है.
मैं तो बोलती हूँ, ये क्या बोल रही है, मैं तो बोलती हूँ ठीक नहीं है, बदमाश है, एक ही स्टेटमेंट में पलट जाती हो यार, अभी बोला सबसे अच्छा लड़का है, संस्कारी है, आप बोल रही अच्छा, मैं बोल रही इंडस्ट्री में ऐसा है तुम्हारे बारे में झूठा मूठा कि बहुत अच्छा लड़का है, पता नहीं क्यों लगता लोगों को तुम बहुत ऐसे वेल बिहेव्ड हो, होगा ना सच होगी इसमें सच्चाई, ऐसी बातें नहीं बनती है, आपको लगता है ऐसा होगा, नहीं आजकल फेक न्यूज भी बड़ी बनती है भाई, भाई बना लिया आप क्या साइड ले रहे हो यार, भाई बना लिया आपको, ओ यार बस, अच्छा एक पर्सनल सवाल था, बचपन में क्या होता है ना कभी मेहमान आए तो घर वालों को बड़ा शौक होता है, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, आओ बेटा गा के सिखाओ, जैसे मुझे ना हमेशा बोलते थे कि डांस करके दिखाओ, मैं डांस करता था तो बड़े खुश होते थे, मुझे बड़े होके बास मस्तान ने बताया कि खुश नहीं होते थे, हंसते थे लोग तेरा डांस, तो फिर मैंने अभी अवॉइड करना शुरू किया डांस, क्यों ऐसा, आप तो अच्छा डांस करते हो, नहीं वो मतलब ऐसे देखा मैंने भी ओपनिंग जिग जो आप ये करते हो पूरा वो जो किया आपने, एक ही स्टेप पता है इसे, वो ही करता रहता है अर्चना जी, जैसे बचपन में जब छोटी थी ना ये 125 साल पहले की बात है, 124 तो इनके मम्मी पापा कहते थे बेटे टैलेंट दिखाओ, तो फिर ये मेहमान के सामने जितनी बर्फी पड़ी होती थी एक सेकंड में खा जाती थी, अब मैं आपको राज की बात बताऊं मम्मा, इनके ना यहाँ पे डिवाइडर है जीभ में तो ये एक ही टाइम से ना अलग अलग जबड़े से इधर से मीठा इधर से नमकीन खा लेती है, तो जब आपके घर में मेहमान आते थे तो आपके मम्मी पापा बोलते थे बेटे दिखाओ टैलेंट, ये डांस करके दिखाता था भाई, वो बंद भी हो गया एक दिन कैसे पता है कैसे बड़ा सॉलिड बंद कराया, वो थैंक यू गुप्ता अंकल को, वो एक बार गुप्ता अंकल आ गए, गुप्ता अंकल आ गए, उनके बेटे ने समर वेकेशन में शामक डावर ज्वाइन किया था, अच्छा मम्मी पापा को पता नहीं था, अच्छा कॉलोनी का डांसर बना हुआ था मैं तो उन्होंने बोला बेटा गुप्ता अंकल है नाच के दिखाओ, तो अपना हम्मा हम्मा पे सेट था एक पीस, हम्मा हम्मा क्यू जहाँ से क्यूड होता था वहीं से चलता था, अच्छा अपन 45 सेकंड के लिए अपन ने किया, जैसे ही खत्म होने वाला वो गुप्ता जी का लड़का आया, अच्छा। और उसने अलग माहौल बना दिया पार्टी पे तो मेरे मम्मी पापा ने कहा बेटा हमें आज पता चला तू बिल्कुल अच्छा नहीं नाचता, डांस ऐसे कहते हैं, तो बचपन में फिर आप खेलते क्या थे भाई बहन, मैं एक्टिंग करती थी कि मुझे मारता था बचपन में बहुत, एंड इसको डांट भी पड़ती थी बहुत, तो मैंने बना लिया कुछ टाइम बाद कि ना मैं मरने की एक्टिंग करूंगी, तो मुझे खूब मारा है, फिर मैं ऐसे लेट जाती थी कि मैं मर गई हूँ, मैं बोलती हूँ मर गई, और फिर मैं ऐसे करती थी, तो देखिए रोना आपके खेलों में मरना मारना मैं ये सोच रही थी कि यार बचपन में तुम्हारा इसको मार दिया मैं मर गई, मतलब ये जरा ज्यादा नहीं था, बट ये मुझे बहुत तेज तेज मारता था, तो आज मेरे को लगा ये बेस्ट तरीका है मरने की एक्टिंग करो, मैं मर गई हूं, बट फिर मैं और रोने लगता था जब वापस जिंदा हो जाती थी, फिर मैं और रोने लगता था फिर हम उसको बोलते थे अडॉप्टेड है, उसको ढाके लेके आए हैं, ये तो सारे भाई बहन सारी बड़ी बहनों बड़े भाइयों का सही है, अब आप देखो उसकी शक्ल और मेरी शक्ल, शक्ल मिलती है हमारी, बिल्कुल नहीं, मैं अपने पापा पे गया हूं, अच्छा एक सवाल अर्चना जी का है, वो ये कह रही कि नॉर्मली होता है घरों में जो भी बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो तो उसके कपड़े जब छोटे हो जाते हैं तो छोटे को पहनाते हैं, आपने कभी हुमा की फ्रॉक पहनी है? भाई मेरे 6 साल उम्र के जितनी पहले की फोटो है ना उसमें मेरे पास मेरे कोई कपड़े नहीं है, फ्रॉकों में घूमा हूँ यार मैं, शादियों में गया हूँ फ्रॉक पहन के यार, बट आई हैव पिक्चर्स ऑफ साकिब, मेरा घाघरा चोली पहन के बड़ा क्यूट लग रहा पर ये तो चलो बचपन की बात है, अर्चना मैम तो भी परमीत सर की टी शर्ट पहन लेती हैं। एक्चुअली पहनती हूँ, really? हाँ। और मजे की बात ये है वो भी इनका गाउन पहन के सो जाती है ये सच नहीं है आप भी पहनते हो? हाँ ये तो सरदार पहनता है किन्नी पर मैं एक एक बात नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, सलवार वगैरह मैक्सी मैंने ट्राई की है Hi Saqib, hi Huma, so good to see you. कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया, आप कैसे? बहुत time बाद. आते चार पांच लाइनें back to back बोलती हूँ, so nice to see you. किसी को ये जगह नहीं देती बोलने के लिए, चल हट पे, कौन है तू? ये सब भी तो बोलने दिया कर लोगों को भी. कप्पू जगह दी नहीं जाती, बनाई जाती है. जैसे मैंने अपनी जगह बनाई है. क्यों अर्चना मैम? Correct. मुझे पहले पता था आप दोनों एक दूसरे की जगह की रखवाली करते हो. बिल्कुल. और ये क्या बन के आई है तुम आज? वो एक्चुअली क्या है ना साकिब, वो मेरे इंस्टा पे जो फैंस है ना उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे एक फेस्टिव लुक में देखे. सो इंस्टा फैंस पता त्योहार मना रही हो? दिस इज अभी नवरात्रि आने वाले ना, सो इंस्टा पे फैंस पता कैसे बनाती है? मान लो आपका अकाउंट है, नीचे जाके कमेंट करेगी कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूंगी. तो ऐसे कपूर
that's not fair. कुछ भी बोलती तुम भी फेयर बनो ना फिर जो इंस्टा पे अपना लिखा हुआ बायो वो हटाओ वर्किंग एज एक्टर लिखो वर्किंग विद एक्टर मैं हंसा नहीं बिल्कुल मैं ऐसी बात नहीं वो तो मैं कितनी जबरदस्त एक्टर हूँ वो तुम्हें तब पता चलेगा जब किसी दिन हुमा मेरी बायोपिक करेगी तेरी वो टूथपिक ना करें कभी तेरी बायोपिक करेगी तेरी एक्टिंग कैसे प्रूव होगी अब हुमा करेगी ना वो रोल तो हाँ सोचो इट्स ऑनर नो अच्छा इन ऑनर इन ऑनर साकी पता आपकी मूवी थी मेरे डैड की मारुति उस फिल्म में पहले वो मुझे लेने वाले थे एज लीड सेट पे पहुंची भी फिर ये फिर डायरेक्टर ने देख के बोला ना जब कहते ओहो मैडम देखिए ये मेरे डैड की मारुति बन रही है मेरे डैड की चूहिया नहीं तो गुस्से में उसकी टी-शर्ट कुतर के आई ये क्या बात हुई मेरे डैड के पास ना प्लीज बहुत गाड़ी है कुछ भी मत बोलो बहुत सारी गाड़ियां इनके डैड के पास चलाते वही है जो मालिक बोलता है मैं अगर किसी का शो चला सकती हूँ तो वो गाड़ी नहीं चला सकते जो फ्रूट तेरा मन आए अमरूद ले ले बाकी महंगे वैसे साकिब हुमा यू नो हम सब इस पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं खबरदार कुछ मांगा तो पैंडेमिक के दौर से ऐसे इसका ऐसे पता क्या करती जैसे मान लो आप मास्क पहन के आए हो पीछे उतार दिए होंगे ये धो के बाहर 50-50 का बेचती है मैंने पूरी बात की भी नहीं मुझे पूरी बात तो करने दो मैं बोल रही थी कि आप मुझे लेके फिल्म बनाओ क्योंकि मैंने ना अपनी एक्टिंग की फीस कम कर दी है सिर्फ एक्टिंग के रेट नहीं कम किए एक्सप्रेशंस भी कम किए आपने देखा अभी जब से आई है कोई वेरिएशन आया कपूर भूरी के एक्सप्रेशंस हैं समझ में आया मतलब एमी वो इतने सालों से मुझे रखते हैं मैं फिर बता दूं क्यों रखते हैं क्यों इसकी परफॉर्मेंस दिखा के वो सरकार से सब्सिडी लेते हैं कहते ये देखो सर ऐसे तो कलाकार है हमारे पास आपको पता ही है तो फिर चैनल थोड़ा उनका टैक्स माफ कर देती गवर्नमेंट थोड़ा कुछ भी बोलता रहता है कुछ भी बोलता रहता है कुछ भी बोलता रहता है मुझे ना तुमसे बात नहीं करनी वैसे ना नहीं लॉकडाउन में एक्चुअली मैंने ना कुछ होममेड चीजें बनाई हैं हां मेन तो ये बेचने आई है ये क्या बनाया अभी ये ना होममेड आटे के दिए अब दिवाली आ रही है ना तो ऑन ऑर्डर आई विल टेक अभी ये आपको बोलेगी कि इसमें तेल डाल के चेक कर सकते हैं आप गिफ्ट कर रहे हो कुछ नहीं ये आपको बेचेगी आपको बोलेगी चेक कर सकते हैं आप इसमें तेल डालो ये बोलती मैं जला के आऊंगी जलाती नहीं बाहर जाके बेल के पराठे में खा जाएगी मत क्या खाते कौन है वो तो पूछ लीजिए सब तो ये खा जाता है ना आजकल तो लग नहीं रहा इतने फिट हो गए कपिल भाई यार अब बोल अब है तुम्हारे पास कोई जवाब छोटा मुंह बड़े होठ एक्चुअली मुझे ना आप लोगों से बात करने नहीं देगा तो मैं आप लोगों से ना एक्चुअली बैक स्टेज बात करूंगी वो बेटर होगा है ना गप्पू हां ये लोहे के ऑर्नामेंट्स जो पहन के आई जंग लग जाएगा तेरी गर्दन में देखना किस दिन तुमसे बात करना बिल्कुल ही बेकार है हां हां हमारा तो जन्म सफल हो गया तुमसे बात करके हां हां लड़ ले मेरे साथ अच्छा अच्छा नहीं हमने जो 90s में जो फिल्में देखी ना अपने स्कूल कॉलेज में जैसे शाहरुख भाई को देखा या सलमान भाई को देखा या अक्षय पाजी को देखा तो हमें लगता था जैसे मुंबई में रोमांस ऐसा होता है हालांकि जो असली रोमांस होता है ना छोटे शहरों में वो दिखाया हुमा ने गैंग्स ऑफ वसेपुर में जो नवाज भाई के साथ वो सीन था बड़ा ही कमाल का था थैंक यू बड़ा रॉ जैसे होता है यार हाथ पकड़ लें देख लो ब्यूटीफुल सीन और मैंने उसके पीछे किस्सा सुना है कि वो सीन करने से पहले हुमा ने इतनी बार बोला कि नवाज भाई ऐसे कर लें सीन नवाज भाई ऐसे भाई भाई बोल के उनके अंदर का शाहरुख खान मार ही दिया था मौके पे तो ये आप क्यों बोल रही थी उनको ऐसे टेस्ट कर रही थी नहीं एक्चुअली नवाज भाई को सब भाई बोलते हैं तो मैं भी भाई बोल रही थी मतलब अब मैं क्या करूं बट पर ये बात तो सचो ने मुझे कहा था उनने मेरे को कहा था कि देखो तुमको मुझे जो मानना है मानो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ। शॉर्ट से पहले भाई मत बोला करो शॉर्ट के बाद भाई बोल लेना बट ये जो किस्सा है उनके साथ एक्चुअली हुआ था अच्छा व्हिच इज व्हाई अनुराग ने इसको स्क्रिप्ट में रखा कि एक लड़की का वो हाथ पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे उसे बहुत तेज से डांट दिया था और वो रोने लग गए थे तो हम जब सीन भी कर रहे थे वो एक्चुअली में रोने लग गए थे तो फिर उसके बाद सबने बोला सॉरी 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 नवाज भाई फिर भाई बोल रही हूं तो मुझे भाई बोलना बंद करो पर बड़ा कमाल का सीन था वो बड़ी फिल्म ही बड़ी कमाल की थैंक यू थैंक यू अच्छा कुछ अफवाहें हैं उड़ती रहती हैं आपको पता है मार्केट में क्या कर रहे हैं आपके बारे में नहीं नहीं आपके बारे में तो हुमा अफवाह है कि फिल्मों में आने से पहले जब आप कॉलेज पढ़ती थी तो आप अपने पापा की शर्ट्स भी पहना करती थी अफवाह ये अफवाह है शूज चुराती थी ये बात मेरे जूते चुराए मेरे कपड़े चुराए हुमा ने मेरे चुराए पापा के नहीं चुराए अच्छा
मतलब ये फाय एक बारी मेरे कॉलेज आ गया था और जूते उतरवाए थे मुझसे कि मेरे जूते उतारो घर से रबर की चप्पल ले गया मैंने कहा ये पहन के घूमो कॉलेज कैन यू इमेजिन हाउ मीन ब्रदर नए जूते लाया था मैं 1200 रुपए के भाई वो तब मेरी लाइफ के सबसे महंगे जूते थे तो मैं लाया सुबह और डब्बे में मैंने पैक करके रखे अगले दिन उठा मैंने डब्बा खोला और डब्बा खाली और मुझे लगा पहले तो जूते चुर गए मैंने अलग अलग हल्ला मचा दिया चोरी हो गए जूते चुर गए तो मैंने अलग हल्ला कर दिया घर में मेरे जूते चुर गए ये भी एक शब्द है चुर गए तो फिर पता चला हुमा कॉलेज पहन के गई है वाह बट मैं उसमें कहूंगा वो हुमा की भी गलती नहीं थी वो मैं जूते गलत लिया था और थे लड़कियों के जूते exactly my point तो खरीदे क्यों थे वो जो दुकानदार बेचने वाला था उसने ऐसे माहौल में बेचे मुझे मुझे लगा इससे अच्छे जूते ही नहीं मार्केट यार तुम बचपन में घाघरा चोली पहनते थे लड़कियों के जूते खरीदते दाढ़ी कैसे आ गई दाढ़ी पूरी नहीं आ रही भाई वो आके वो जूते दिखाते हैं वो सही बोला साकिब ने माहौल बनाते पूरा सर ऐसे अरे सर क्या लग रहे हो अरे अरे, अरे सलमान खान मैंने कहा अरे कुहनी मार के ऐसे भी गिराते ऊपर से डिब्बा आता फिर निकाल के उनकी आपने ट्यूनिंग देखी है कितनी सही होती है ट्यूनिंग देखी है नंबर दो एकदम नीचे आता है वो सीढ़ी लगी होती है अलग ही ट्यूनिंग होती है साकिब एक आपके बारे में ये अफवाह है कि बच्चों की जब बचपन में लड़ाइयां होती हैं तो अपने बड़े भाई को झगड़ा निपटाने के लिए लेके जाते हैं पर आपका जब पंगा होता था तो आप हुमा को लेके जाते थे वैसे ले जाना चाहिए था गुड आइडिया ये तब बचपन में नहीं ध्यान दिया भैया को ही लेके गया हुमा को लेके नहीं गया कभी हुमा वैसे आपको बड़ी स्ट्रांग लगती है वैसे इतनी स्ट्रांग है नहीं इमोशनल है ज्यादा एक बार इसको कॉलोनी के बच्चों ने नाली में गिरा दिया था साइकिल पे जा रही थी साइकिल पे साइकिल ली थी नहीं मुंह बंद कराओ यार साइकिल ली थी नहीं और ना तभी वो साइड वाले पहिए हटाए थे अब बैलेंस करनी आ गई थी मगर पूरी तरीके से नहीं आई थी तो चार पांच मवाली लड़के थे हमारी कॉलोनी के वो गए ओ साइकिल 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 करते आए और नाली में गिर गई अब मम्मी को टेंशन बेटी खो गई है बेटी मिल नहीं रही है बेटी आधे घंटे से नाली में पड़ के रो रही है आधे घंटे बाद हमें पाई हुमा पता नहीं अब मैं बताना नहीं चाहता वो कैसे दृश्य वो नाली क्या थी वो घर के आगे वाली नहीं थी पीछे वाली नाली थी हुमा आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत पसंद है तो अफवाह ये है कि आपको रोज रात को ये सपना आता है कि आप लियोनार्डो के साथ टाइटैनिक के पोज में खड़ी हैं और आपको ये भी लगता है कि अगर आप उस फिल्म में रहती तो जहाज नहीं डूबता ये मुझे पहले जानना है ये इंफॉर्मेशन लाया कौन है वी हैव अ वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ वन पर्सन वो जो मुंह पे मास्क बांध के बैठा ना ये बंदे ने बोला है कौन सा वाला ये जो बैठा है ये मास्क बांध के बैठा ये आपकी रिसर्च है ये मेरे सपने में लियोनार्डो आता है आपको कैसे पता चला मुझे पहले ये बताओ तो ये अफवाह है हाँ मतलब सपने में तो आता है मगर देख लो रिसर्च तो है ना हमारी हमारी टीम की इमेज खराब कर रही थी पूरी मार्केट में आप साकिब आपके बारे में एक और अफवाह है कि आपने सिक्स पैक बनाने के बाद इतनी सारी फोटो खींच ली आपने शर्टलेस कि आज के बाद जब आप मोटे भी हो जाओगे तब भी आपके पास फोटो डालने के लिए 18-20 हज़ार फोटोज हैं ये 10,000% ट्रूथ है भाई बिल्कुल झूठ है कोई मतलब इतनी मेहनत लगती है ना पहले बता वो तो है बहुत मेहनत लगती है और बहुत पसीना बहाया जाता है तो मेरा एक है ये कि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट बाल बना के 50,000 फोटो खींच दो ठीक है और फिर खाना खाने लग जाओ कोई टेंशन ही नहीं है बात ठीक है और डालते रहो अगर कोई पूछता है बॉडी कैसी मैंने कहा ऐसी है भाई बहनों में से ऐसा कौन करता है मम्मी पापा से पिटाई किसकी ज्यादा होती थी उल्टा मुझे तो लगता है लड़कों की पिटाई ज्यादा होती है मैं पापा से सिर्फ एक बार पिटा हूं हुमा पापा से नहीं पिटी हम मम्मी से दोनों पिटे बहुत पिटे बट हुमा थोड़ा ज्यादा पिटी जैसी हुमा पिटने लगती थी मैं तो अपना होमवर्क निकाल के सीधा होमवर्क करने लग जाता नो आई यूज्ड टू ब्रेक अ लॉट ऑफ थिंग्स मैं बहुत चीजें तोड़ती थी और फिर छुपा देती थी कि पकड़े ना जाओ जैसे एक बार मैंने परफ्यूम की बॉटल तोड़ दी और वो आधी निकल गई फिर मैंने उसे सीधा किया और फिर मुझे लगा अरे तो पूरा खत्म हो गया है और वो कोना उसका टूट गया था और मेरे बाकी परफ्यूम में पानी भर दिया कि पता नहीं चलेगा अच्छा। तो ऐसी और पापा मस्त लगा के रोज जा रहे नहीं वो ऑब्वियसली से मम्मा जैसी रूम में आई तो स्मेल आई तो उन्होंने बोला तुमने परफ्यूम तोड़ा है तो मैंने कहा नहीं तो अब वो ऑब्वियसली बेवकूफी है अच्छा बचपन में हमारे अपने अलग ही लॉजिक होते ना जैसे मैं एक बार बेर तोड़ रहा था पत्थर मारा तो हमारे बगल वाली आंटी के सर पे लग गया
मेरे को लगा अब क्या हो गया, मैं घबरा गया, मैं जाके सो गया। मुझे सोते सोते मम्मी ने देखा भी नहीं रजाई में मेरा मुंह किस तरफ है, सीधी रजाई खींची, पटक, वही वाला बन गया। तो ऐसे बचपन में लगता था कि सो जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। हम सो रहे थे, पता ही नहीं क्या हुआ। स्कूल से किसकी कंप्लेंट आती थी ज्यादा? हो जाती है, आप तो स्कूल गए होगे, आपको पता होगा। स्कूल गए होंगे। खराटे की आवाज किसकी ज्यादा आती है? वीडियो है अगर मेरा फोन ला दो, वीडियो है मेरे पास। व्हाट रबिश, मेरे पास कम से कम नहीं तो 50 फोटो है हुमा की। मैं बताती हूं, डिफरेंट एयरपोर्ट्स, डिफरेंट हॉलिडे डेस्टिनेशंस, हुमा गाड़ी में बैठी है, सो रही है एयरपोर्ट पे। सर आप एक्टर हो, कभी कभी ना मुझे बताना पड़ता है कि आप एक्टर हो, आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाके एक कुर्सी मिली उस पे पूरा चढ़ के ऐसे जाके सो जाएगी, कोई फोटो लेके, और कोई क्यों भाई है, सबसे ज्यादा फोटो है मेरे पास इसकी ऐसे। बेटा खराटे पूछे तो आई हैव अ हैबिट, मैं मुंह कैसे खोल के सोती हूँ। और क्योंकि बहुत दफे हम लोग शूट के बाद सीधा फ्लाइट पकड़ते, तो अब मेरे को जान नहीं आती, मैं सो जाती हूँ। तो अब इसको ये नहीं कि मैं प्राइवेसी छोड़ दूं, उसको जाके फोटो खींचता रहता है मेरे लिए। शॉपिंग में कौन ज्यादा खर्चे करता है? लग रही ना कपड़े देख के। ये हीरे लगवा के आई है भाई कपड़ों में। तू घर चल। इसी के साथ हमारे ये राउंड खत्म होता है। वाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये ना, ये एक नई चीज है हमारे शो में, पहली बार हो रही है। ओ माय गॉड। देखो ऐसा है कि आप दोनों भाई बहन हो, हैं, एक टाइम पे जाके कभी आप भी सेटल हो जाओगे, शादी करोगे, जब आप भी शादी करेंगी, तो अगर आप दोनों को मौका दिया जाए एक दूसरे का लाइफ पार्टनर ढूंढने में, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आपने बताना, ठीक है? I love this game. Lovely. I love this game. This अच्छा, option, आप ऑप्शन अच्छे देना बस। हाँ, मतलब जो है मेरे पास मार्केट में, पैंडेमिक में जो अवेलेबल है, मतलब। तो आपसे पहले मैं पूछ रहा हूँ साकिब के लिए, हंसी मजाक करने वाली लड़की या सीरियस रहने वाली? सीरियस रहने वाली, एकदम बोरिंग। क्यों? अरे बहने दुश्मन है यार, क्या चाहती है? ओके, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हो या घूंघट में रहती हो? घूंघट में रहती हो। एक्चुअली वेस्टर्न ड्रेसेस वाले तो आपकी ड्रेसेस पहन लेंगे। और क्या, घूंघट वाली। ठीक है, अभी दूरदर्शी लड़की। मम्मी पापा की सेवा करने वाली या अपनी सेवा करवाने वाली? मम्मी पापा की सेवा करने वाली, तो सिंपल है। अच्छा, जो डिस्को जाने वाली या रिलीजियस प्लेसेस पे जाने वाली? रिलीजियस प्लेसेस पे जाने वाली। अरे क्या प्रॉब्लम, क्या है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग या हाउसवाइफ? हाउसवाइफ। ओके, नो, हां चलो, एक्चुअली डिपेंड ऑन व्हाटएवर शी वांट्स टू डू, वो करती है। अच्छा, यहां आपने फ्रीडम दे दिया मुझे। शुक्र है, ये नहीं बोल दिया कि जो नौकरी से आके घर का काम करती हो। जिसकी आपके साथ ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग हो या साकिब के साथ? ऑब्वियसली मेरे साथ। तो आप ही कर लो ना शादी, आप ही कर लो उससे, अपना सोलमेट तो ढूंढ लिया। मैं तो भाभी लाऊंगी कि मजा आए घर पे, थोड़ा सा कुछ हंगामा हो, कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए। शॉपिंग की शौकीन हो या पैसे जोड़ने वाली? पैसे जोड़ के मुझे देने वाली। शाबाश, वेरी गुड साकिब। अब नहीं नहीं करवानी नहीं है, रहने दो, मुझे ऑप्शन भी नहीं पूछे, मैं ना सुनने नहीं। यू कांट बीट मी, लेट्स जस्ट से दिस। चलो पूछो भाई, एक मौका आपको भी दिया जाता है, आप कोशिश करते भाई। आप कैसा लड़का पसंद करेंगे हुमा के लिए, बिजनेसमैन या गवर्नमेंट जॉब वाला? गवर्नमेंट जॉब। यार मुझसे प्यार करेगा तो कर लूंगी यार, इसमें क्या है? क्या बात है, देखो वाह, वो आ गया उस पे, नैले पे नैला आ गया। हाँ, मैं देता हूँ। अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला या बिल्कुल सीरियस बोरिंग सड़ियल? We know the answer now. What Saki is going to say. Sense of humor होना चाहिए। अच्छा। मैं भी तो entertain रहना चाहिए ना भाई। अच्छा। मतलब। अच्छा। मुझे पहले लगा बहन के लिए अच्छा सोच रहा है। अभी अपने entertainment का सोच रहा है। Joint family में रहने वाला या अकेला रहने वाला? भाई अकेला ले जाओ, ले जल्दी से। अकेला? मैं ना, मैं नहीं 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 अकेला, दोनों अकेले रहे, अपनी न्यूक्लियर फैमिली बना के खुश रहे। अरे वो joint family उसकी होगी। अच्छा हाँ, सॉरी मैं तो भूल गया। ये खुद को काउंट कर रहे हैं कि मैं भी दहेज पे जाऊंगा। लड़का फ्लर्ट होना चाहिए के जोरू का गुलाम टाइप? मैसिव फ्लर्ट। खबरें छपी थी उसकी अखबार में भाई, खबरें। थोड़ा संस्कारी टाइप हो, वैसे ही शर्मीला हो, या पूरा डिस्को विस्को जाने वाला टाइप? भाई अब फ्लर्ट करके संस्कारी कैसे हो पाएगा यार, डिस्को तो जाने ही पड़ेगा। ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? अच्छा, टीवी देखने वाला लड़का
या सिर्फ बीवी को ही देखते रहने वाला लड़का? टीवी पे दूसरों की बीवियां देखने वाला लड़का। इससे बड़ा कोई दुश्मन हो नहीं सकता। ये भाई है मेरा। शॉपिंग करवाने वाला या पैसे जोड़ने वाला? शॉपिंग कराए, खुश रखे, चलो कुछ तो दो ना यार, तभी तो मानेगी ना, वरना ये थोड़ी मानने वाली है यार, ऐसा लड़का दे दूंगा वो कर थोड़ी लेगी। हाँ, ऐसे तो जाएंगी नहीं, बोलती ये गलत है। पर फिर भी साकिब ने दो ऐसी ऑप्शन दी जिसमें आपके फेवर की बात करी, आपने सारी अपने फेवर की करी। अरे मैं खुश होंगी तो ये खुश रहेगा ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। What's up, yeah? What's up? That's Acho Yadav in the house! Yeah? Woohoo! That's Saqib Saleem in the house! Woo! Uma Qureshi in the house! My and a house in the house! अबे नहीं अच्छा लगा तो रहने देते हैं। मैं आप लोगों के फिल्म का ट्रेलर देखे, ओ मैं मेरा तो अचंभित निकल गए। ओए अच्छा उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही अभी। तो मेरा अचंभित निकले क्यों ब्रो? ओ ये या मैं आपका गाना देखे इसलिए। उनका कोई गाना भी नहीं आया। ब्रो ऐसा मत बोलो, मैं इनका गाना देखे यार, वो सोने का पानी चढ़ा के पिया मैं देखे। वो पुराना है। तो पुराना गाना प्रमोट करो ब्रो। क्या चल रहे यहाँ पे? जब भी कोई नया फिल्म आते है आप यहाँ पे कोई नया शो बना के प्रमोट करते है क्या ब्रो? नहीं ना, 8 साल पुराना शो लेके हर फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, तो पुराना गाना भी प्रमोट करो, क्या चल रहा है? नया 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 क्या लगा के रखे है ब्रो? इधर सामने देखो, ये कौन सा न्यू बॉर्न बेबी बैठा है क्या इधर? मैं आप लोग को बता रहे है, ये लेडी इतना प्राचीन है, इतना प्राचीन है कि वो कछुआ है ना कछुआ, उसके बैक पे जो हेलमेट है वो यही लगाए है। उससे पहले उस बिचारे का हमेशा चालान कटते थे। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा है? ये बच्चे से याद आया ब्रो, आप लोगों को मालूम है पिछले महीने ये साल के सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि पिछला महीना 9वां महीना था। 9वां महीना सितंबर है, 9वें महीने में पैदा होते हैं। बातें जितनी मर्जी करा लो, गेस्ट आए कुछ ले ही आता उनके लिए। मैं ऐसे खाली याद कभी आए है? आइए कभी खाली याद ब्रो, मैं आपके लिए लाए हैं। क्या लेके आए? अपने हाथ से बना के मैं उल्लू का पट्टा लाया आपके लिए। क्या? उल्लू का पट्टा? आलू का पराठा होता है। ओये ओके, बाहर सब लोग मेरे को उल्लू का पट्टा बोलते हैं ना, तो मेरा सब बात ऐसा मिक्स हो गए, मैं एक्चुअली आलू का पराठा ही बना के लाए। सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन मैं आपको बोल रहे हूँ माँ जी, मैं आपको बहुत लाइक करते है, बहुत। मैं आपको बताए, आपसे मिलने का हमेशा मेरे को वो थे, वो ए ब्रो वो बाहुबली का हीरोइन कौन है, भाटिया वाला? तमन्ना। मेरे को हमेशा तमन्ना से आपसे मुकालात करने के। क्या? मुकालात? मुलाकात। वही वही वही। और आज मेरा दिल को कुसून मिले है आपसे। कुसून नहीं, सुकून होता है ब्रो। अगर तुमको पता है तो मेरे को भी सुकून से जीने दो ना ब्रो। ब्रो तुमने मेरा सुकून ना ऐसा चूस लिए। लेकिन हुमा जी आप बहुत खुशबू रहते है, खुशबू रहते आप बहुत खुशबू रहते, आपका जवाब नहीं है और ब्रो आपका कबाब नहीं है। ये क्या बात हुई ब्रो? तुमको मालूम नहीं है इनका दिल्ली में रेस्टोरेंट से सब क्या खाना बनते है कि नहीं? तो कबाब तो है ना। हाँ तो ब्रो कबाब लेके आओ ना, इधर हमको भी खिलाओ ना ब्रो, ऐसे क्या है यार, लेके आने का नेक्स्ट टाइम। ये ब्रो डन। हुमा जी मैं आपसे एक और बात जानना चाह रहे थे, कभी भी कोई लड़का अगर आपको छेड़ते है तो आप ऐसा उल्टे हाथ का घुमा के देते है के घुमा के देते? मैं एक और फिल्म देखे थे आपका, रजनीकांत जी के साथ फिल्म किया, काला। मैं खाली जानना चाह रहे थे वो फिल्म से आप जो धन कमाए वो सरकार के नजर में खाली धन है कि काला धन है? अच्छा तू क्या फालतू बातें कर रहा है? तो मैं अच्छा पवित्र बात करे? पवित्र बात करे। देखिए आजकल का टाइम है, कोविड बहुत फैल रहे हैं, आप सभी लोगों को अपना इम्यूनिटी बढ़ाने है, इसके लिए आप सभी लोग फाड़ा लो। फाड़ा नहीं काड़ा। नहीं ब्रो काड़ा तो वो होता है ना, वो पजामे में बांधते हैं। वो नाड़ा होता है। नाड़ा होता है? नाड़ा तो होता है सर्दी का मौसम। वो जाड़ा होता है। वो जाड़ा होता है? हाँ। नहीं जाड़ा तो वो होता है ना बस का किराया। वो भाड़ा, वो भाड़ा होता है। भाड़ा। ओ आई गॉट सो कंफ्यूज्ड। भाड़ा तो होता है, करेक्ट बोल रहे, भाड़ा होता है, भाड़ा होता है ब्रो। अगर तुमको पता इतना भाड़ा होता है तो मेरा लंदन से इधर आने जाने का भाड़ा तुम कब देगे ब्रो?
आए दिन मेरे को इधर बुलाते हैं, लेकिन कभी भी भाड़ा नहीं देते। पूरा नेक्स्ट टाइम भाड़ा नहीं दिए ना, तुम्हारा एक स्पॉन्सर में इधर से उठा के ले जाएंगे। फिर हेलो एंड वेलकम तो बोल पाएंगे, लेकिन व्हाट टू यू बाय नहीं, कोई है नहीं। क्या बोलोगे ब्रो? वैसे साकिब जी मैं आपको बोलेंगे, इधर सामने ऐसा चार पांच, इधर इधर आगे पीछे पूरा मिला के ना सर, इधर करीब 12 कैमरा है। तो नहीं, मैं इनको खाली बता रहे कि बाय चांस अगर ये मेरे ऊपर हाथ उठाए तो लोगों को दिख जाएंगे। पर ये क्यों हाथ उठाएंगे भी तेरे? क्योंकि उनके बहन को मैं शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। देख भाई, एक एक बंदे ने इसी शो पे किया था, आज उसकी शादी हो चुकी है। मैं भाई बन चुका है उसका, अब तुझे भी भाई बनना आ जा, कोई टेंशन नहीं है। मैं खाली बोल रहे हैं, मैं आपको बहुत पसंद करते हैं हुमा जी, आपके लिए मैं जान दे सकते हैं। जान क्या, जैसा तो तंदूर जैसा है ना, रोटियां लगा के नान भी दे सकता है। तुझे डर नहीं लगता? तुझे लगते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगते है। मुझे वो लगते है, वो ऐसे किला लेके ऐसे ठोकते है, तो ये आइटम को क्या बोलते हैं? थोड़ा हाँ, थोड़ा लगते है, थोड़ा लगते है चार। तो आप में ये रिश्ता पक्का समझे? तू अच्छा मेरी बात सुन ले, साकिब की बॉडी देख ले, मार मार के तेरी चर्बी निकाल देगा वो। निकाल दो ब्रो चर्बी, वैसे भी मेरे को बहुत चर्बी चढ़ा है। ओए हुमा कितनी क्यूट प्यारी, और तू कहाँ, लोग क्या सोचेंगे? तुम्हें सोचने क्या है, मैं आपको सच बोलते हैं, आप ना ऐसा मोटा आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना, उसके बहुत फायदे हैं। क्या? हम किधर भी बाहर जाएंगे ना, कोई भी आपको आके बोलेगे नहीं कि हु इज ही, कि मोटा आदमी हमेशा दोस्ती होते हैं। बॉयफ्रेंड का कोई शक नहीं करेगा कभी। और कभी हम दोनों पिक्चर के लिए भी गए, फिल्म देखने गए, हाउसफुल निकले, तो मैं ऐसा उल्टा होके बैठ जाएंगे, बीन बैग समझ के आप बैठ के फिल्म देख लो, सब बीन बैग में है ना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो लंदन चल रहे आप मेरे साथ? तू तेरे साथ क्यों जाएंगे भी लंदन, ऐसे करके लंदन क्या करता क्या उधर तू? मैं करता नहीं है, मैं करेगा ब्रो। आप लोग का सब रेस्टोरेंट है ना दिल्ली में, मैं लंदन में उसका वो खोलेगा, क्या बोलते हो, अजय देवगन दिल जले में क्या नाम थे उसके, शाका, शाका में खोलेंगे। शाका खोलेंगे लंदन में। मैं बहुत बिजी आदमी, कैन आई टेक द कॉल? या या प्लीज। ये मेरे को बहुत फोन आते हैं, आई एम वेरी रिच इन लंदन। ब्रायन लारा का फोन आ रहा है। ब्रायन लारा? हेलो, आप ब्रायन लारा, तू पार्टी पे आ रहा है? पार्टी का सामान तू ला रहा है? नहीं नहीं, पार्टी का सामान तू नहीं ला रहा है, वो मेरा दूसरा दोस्त ला रहा है। एक मिनट, मेरे को कॉल वेटिंग पे लारा दत्ता का फोन आ रहा है, वो भी ला रहा है। नहीं नहीं, मैं खाली तुझे बता रहा है कि उसका नाम ला रहा है, लेकिन वो सामान नहीं ला रहा है, सामान तो मेरा दूसरा दोस्त ला रहा है जो पार्टी में आ रहा है। तू हंसता क्यों जा रहा है? अभी तू मेरे को डरा रहा है, मैं फोन काट के इधर से जा रहा है। ये रहा, मैं अभी इधर से 9:00-11 है, मेरे को जाने पड़ेंगे ब्रो। क्या है ना, क्यों हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं मेरा जो नेफ्यू है ना, वो बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। क्यों क्यों, क्या हो गया? वो कल पैदा हुए ना। तो मैं चलते हैं, थैंक यू, ऑल राइट, सी यू सून, या टेक केयर ब्रो, यो Yo! एक बार जोरदार तालियां हुमा और साकिब के लिए। आइए हुमा, हुमा साकिब, थैंक यू सो मच, आप लोग आए और बहुत मजा आया हमेशा की तरह, और आते रहा करो, बस आप बुलाते रहा करो, हम आते रहेंगे, आपसे बात करने में हमेशा मजा आता है। मैं क्या, आपने ये बात बोल दी ना, अभी आप गाड़ी में भी नहीं बैठोगे, फिर कर देंगे ये अगले नंबर में एक और करें। But really, thank you so much. Thank you for making us laugh. Thank you. We love you so much. Thank you. God bless you. And thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. How nice. All my fans go. Love you guys. Good night. Chabakar.